आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज हम कलीदार गाउन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, गाउन बनाने के लिए हमने माइक्रो वेलवेट का फैब्रिक लिया है और ये 5 मीटर है। सबसे पहले हम चोली के लिए फैब्रिक को अलग करेंगे। जो हमने पीस कट किया है उसको हम 4 फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंथ को कट करेंगे। अब हमें चोली की लेंथ का निशान लगाना है, जो कि हम 15 इंचेस रेडी करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेंथ लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम कट करेंगे। यहाँ से हम शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि 6.5 इंचेस है। आर्म होल लेंथ 7। साइज़ के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल और शोल्डर के मेजरमेंट की वीडियो अपलोड की हुई है अलग से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आर्म होल की गोलाई हमने 2 इंच पे की है। इसके बाद हम इसी तरह से लाइनिंग कट करेंगे। देखिए, हमने लाइनिंग कट कर ली है। लाइनिंग के लिए हमने कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। अब हम मेन फैब्रिक का और लाइनिंग का एक एक पार्ट अलग करेंगे। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाते हुए आर्म होल की छटाई करेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है। देखिए, इसकी छटाई हमने 1 इंच की है। चोली हमारी कट हो गई है। अब हम इसे रेडी करेंगे। उसके बाद पहले हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। फैब्रिक की लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है स्लीव्स की लेंथ से, और मोहरी की गोलाई भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से 10 इंच की चौड़ाई है। यहाँ से हमने गोलाई की है 3.5 इंचेस तक। स्लीव्स भी हमारी कट हो गई है। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे, लेकिन हम इसे बाद में करेंगे। स्लीव्स की फिटिंग करने के बाद हम इसकी छटाई करेंगे। अब ये हमने बचा हुआ फैब्रिक लिया है, और जो हमारी लेंथ है वो हम फैब्रिक की चौड़ाई के साथ लेंगे। कलियाँ हमने कट कर ली है। कलियों के लिए हमने अलग से एक वीडियो अपलोड की है, अच्छे से हमने मेथड बताया है। किसी भी साइज़ के लिए वही मेथड चलेगा। ये हमने माइक्रो वेलवेट फैब्रिक लिया है। वेलवेट में हमें ध्यान रखना है कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलियाँ दूसरी साइड जाएंगी। इसके बाद हम चोली को रेडी करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं हमने लाइनिंग अटैच कर ली है सिलाई लगा कर। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पर हम प्लेट्स डालेंगे। इसको हम सेंटर से सीधा मोड़ेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे 10 इंच पर, यहाँ से 3.5 पर। बैक पार्ट पर ही हम प्लेट्स डालेंगे, फ्रंट पार्ट पर नहीं डालेंगे। अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। दूसरी साइड भी हम सेम प्लेट का निशान लगाएंगे। अब निशान से हम फैब्रिक को इस तरह से मोड़ते हुए प्लेट डाल लेंगे। ऊपर से हम हल्का फैब्रिक दबाएंगे, और यहाँ से हमें ज़्यादा फैब्रिक दबाना है, आधा इंच लगभग। इस तरह से हमारा प्लेट में 1 इंच फैब्रिक आ जाएगा। बैक पार्ट पर हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब जो हमने स्लीव्स कट की थी उस पर हमने मोहरी वाली साइड लेस अटैच की है। अभी हम नेक बनाएंगे। देखिए, हमने फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिए हैं, राउंड नेक ही है। इसकी चौड़ाई 6 इंच है, लेंथ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इनको हम रेडी करेंगे। देखिए, हमने बैक और फ्रंट नेक बना लिया है, और शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। इसके बाद हम फिटिंग करेंगे, और साथ ही हम स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे।
उसके बाद हम बॉटम रेडी करेंगे। कलियां हमने अटैच कर ली है, आपको उसी वीडियो में हमने कलियां अटैच करने भी बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अभी फ्रंट और बैक पार्ट की कलियां अलग अलग ही हैं, हमने आठ आठ कलियां बनाई हैं। चोली के साथ हम कलियों को अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट की कलियां पहले हम अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम बैक पार्ट पर भी इसी तरह से कलियां अटैच करेंगे। यहां से आप देख सकते हैं साइड से जो हमने फिटिंग की है वो नीचे तक नहीं की है, लगभग 3 इंच हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। बैक और फ्रंट पार्ट पर हमने कलियां अटैच कर ली है। उसके बाद हम लाइनिंग कट करेंगे, जिस तरह से हम अम्ब्रेला कुर्ती कट करते हैं या फ्रॉक, उसी तरह से अम्ब्रेला कट हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे, लेंथ मेन फैब्रिक से इसकी लगभग 2-3 इंच छोटी रखनी है। अब हमने ये हॉर्स हेयर ब्रेड ली है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट साइड हम इसको स्टिच करेंगे, बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है और हमें ध्यान रखना है इसको हम पुल नहीं करेंगे, आगे की तरफ इसको धकेलते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने पूरे घेरे पर इसको अटैच कर लिया है। अब रॉन्ग साइड हम इसे टर्न करते हुए दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम कमर के जॉइंट के साथ अटैच करेंगे, बैक पार्ट हम अलग से रेडी करेंगे। दोनों तरफ बैक और फ्रंट पर हमने लाइनिंग अटैच कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 4 लेयर्स हैं। पहले हम मेन फैब्रिक की फिटिंग करेंगे और उसके बाद हम लाइनिंग की फिटिंग करेंगे। यहाँ से हमें नीचे तक इसकी फिटिंग करनी है। लाइनिंग को हमने अलग कर दिया है, अभी हमारे पास 2 लेयर्स है मेन फैब्रिक की। फिटिंग का निशान लगाकर जॉइंट से नीचे हमें इसकी फिटिंग करनी है। मेन फैब्रिक की हमने फिटिंग कर ली है, अब हम लाइनिंग की फिटिंग करेंगे। लगभग 6-7 इंच तक हमें मेन फैब्रिक को साथ ही लेना है, उसके बाद हम लाइनिंग की फिटिंग करेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को अलग करेंगे और लाइनिंग की ही हमें फिटिंग करनी है। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन लहंगों में जो हमारी 4-5 लेयर्स होती है उसमें हमें इसी तरह से फिटिंग करनी पड़ेगी, जिससे हमारे जॉइंट पर अच्छी फिनिशिंग आएगी। उसके बाद हम मेन फैब्रिक की बॉटम को फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने किन रेडी कर ली है, लेंथ है 12.5 इंचेस, हमने इस पर प्लेट्स डाल ली है और जो हमारी प्लेट्स की चौड़ाई है वो है 2.5 इंचेस। अलग से हमने किन स्कर्ट बनानी आपको बताई हुई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। इस गाउन के लिए हमने लगभग 3 मीटर किन यूज़ की है, आप चाहे तो ज़्यादा या कम भी यूज़ कर सकते हैं।
किन किन को हम लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमारा गाउन बनके रेडी हो जाएगा। देखिए हमने ये नेट का दुपट्टा रेडी किया है। दुपट्टे पर हमने लेस लगाई है, जो लेस हमने स्लीव्स की मोहरी पर अटैच की थी सेम लेस ही है। किनकिन आप देख सकते हैं काफ़ी कम यूज़ की है, आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। गाउन हमारा बनके रेडी है, ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।